हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। आप सबको इलेक्ट्रिकल दुनिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा रिले हम लोग यूज करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सारा पॉइंट्स कवर कर लेंगे कि कौन सा रिले यूज हम लोग करेंगे ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए और उसका क्या काम होता है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर दें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों, बात वही होगी जो आप चाहेंगे। मोदी जी तो हूँ नहीं कि मन की बात करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट जो है हमारा प्रोटेक्शन में, वो है ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। दोस्तों, ट्रांसफार्मर के अंदर दो पॉइंट्स लगे रहते हैं, दो मीटर्स लगे रहते हैं, वो आपने देखा ही होगा। एक होता है WTI और दूसरा होता है OTI। जैसे में आप ट्रांसफार्मर को देखे होंगे तो वहाँ पे आपको मार्शलिंग बॉक्स होता है, वहीं पे आपको ये WTI का मीटर और OTI का मीटर मिल जाएगा। नहीं देखोगे तो ये पिक्चर हमारे पास जो दिख रहा है आपको यहाँ बगल में, वो आप देख सकते हैं, ऐसा ही रहता है। WTI का फुल फॉर्म होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और OTI का फुल फॉर्म होता है आयल टेम्परेचर इंडिकेटर। दोनों का नाम से ही पता चल रहा है कि किसका क्या काम है। WTI में जो होता है वो होता है वाइंडिंग में क्या टेम्परेचर हो रहा है, कितना उसका टेम्परेचर है वो इंडिकेट करता है, और OTI आयल का टेम्परेचर क्या है वो इंडिकेट करता है। दोस्तों, टेम्परेचर भी हम लोगों को सेट करना रहता है कि ट्रांसफार्मर का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उससे ज़्यादा पे हमारा ट्रांसफार्मर को मतलब पावर कट कर दे, मतलब उसको क्या है कि रिले के थ्रू में ट्रांसफार्मर की सप्लाई बंद कर दे। दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारा आता है ओवर करेंट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का नाम से ही पता चल रहा है कि जो करेंट की कैपेसिटी रहेगी उससे ज़्यादा करेंट ना में हो। देखिए, हमारा कोई जो भी ट्रांसफार्मर है उसका कुछ ना कुछ रेटिंग होगी। मैं यहाँ पे जो मेजर कर रहा हूँ वो करेंट में मेजर कर रहा हूँ। मान लीजिए कि हमारी जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 100 एम्पियर है, तो उस समय हम लोग 100 एम्पियर से ज़्यादा उस पर करेंट लोड नहीं दे सकते। जैसे ही लोड बढ़ाएंगे तो हमारा करेंट भी बढ़ता है, वैसे ही हम 100 से ज़्यादा करेंट जब भी हो तो उस समय भी हमें एक प्रोटेक्शन चाहिए। तो उस समय हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है ओवर करेंट प्रोटेक्शन। उस समय लगाते हैं ओवर करेंट प्रोटेक्शन के लिए ओवर करेंट रिले यूज करते हैं या ओवर लोड रिले भी यूज करते हैं। ओवर करेंट भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपकी जो कैपेसिटी है ट्रांसफार्मर की उससे ज़्यादा अगर आप लोड दे देंगे तो वो क्या होगा कि उस समय ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को जलने का बहुत चांस रहेगा। तो दोस्तों, एक पहले पॉइंट में हो गया ओवर हीटिंग का, दूसरे नंबर पे हो गया ओवर करेंट का, तीसरे नंबर पे ऑट फॉल्ट प्रोटेक्शन। ऑट फॉल्ट प्रोटेक्शन में दो पॉइंट है, एक होता है ऑट फॉल्ट रिले और दूसरा नंबर में होता है रिस्ट्रिक्टेड ऑट फॉल्ट रिले। देखिए, रिस्ट्रिक्टेड ऑट फॉल्ट रिले का मतलब ये होता है कि ये वर्किंग इसका ऐसा हो जाता है कि ये जोन में काम करता है, यानी कि इसका जो जोन रहेगा उसी के अंदर ही वर्क करेगा। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में अगर हम बात करें तो उसके बाद से आ जाता है बकोज रिले। बकोज रिले हमारा जो ट्रांसफार्मर के अंदर लगा रहता है, मैं आपको एक प्लस पॉइंट दे देता हूँ, वो 5 डिग्री एंगल पे लगा रहता है। ठीक है, और ये गैस डिटेक्टर होता है। इसका वर्किंग ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारा जो वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कभी दो वायर शॉर्ट हो जाता है। वायर्स मीन्स क्या है कि जो इंसुलेशन है उसमें किया गया है तो वो शॉर्ट कर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है बकोज रिले ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, तीसरा सबसे लास्ट पॉइंट में हमारा आ जाता है, वो होता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। देखिए, ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले जो है आपको बहुत ही कम ट्रांसफार्मर में देखने को मिलता है कंपेयर टू बकोज रिले। ठीक है, बकोज रिले आपको सारे मैक्सिमम जो भी होता है ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री में उसमें आपको देखने को मिल जाता है, पर डिफरेंशियल रिले होता है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये जो पावर ट्रांसफार्मर होता है हाई रेटिंग का, उसमें आपको डिफरेंशियल रिले मिल जाता है। सबसे लास्ट पॉइंट में है PRV होता है, प्रेशर रिलीज वाल्व होता है। ठीक है, इसके क्या होता है कि जब भी कोई प्रेशर बनता है, बनाता है ट्रांसफार्मर है तो अगर उसमें आयल है, वाइंडिंग है, हीटिंग भी होती है, तो उस समय प्रेशर भी बनने का चांसेस रहता है, तो उस समय PRV जो होता है हमारा, ये प्रोटेक्शन, प्रेशर प्रोटेक्शन देने के लिए PRV यूज करते हैं।
तो दोस्तों ये 6 पॉइंट है जो ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। इसके डिटेल्स में इसलिए नहीं बताया कि एक एक करके पूरे डिटेल्स बताता सारे पॉइंट्स का तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाती। मैं इसके बाद से एक वन बाय वन सारे डिटेल्स में सारे पॉइंट पे डिटेल्स में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में भी हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।